जबलपुर में एक महिला द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत करने की सजा उसे ऐसी मिली कि विभाग द्वारा महिला को निलंबित कर दिया गया था। उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। मानसिक रूप से प्रताड़ित बुजुर्ग महिला अनिशा बेगम ने अब इसकी शिकायत लोकायुक्त SP संजय साहू से की है। मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर की लोक शिक्षा विभाग में काम करने वाली अनिशा बेगम द्वारा पिछले माह प्रभारी संचालक राममोहन तिवारी द्वारा 21,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में लोकायुक्त द्वारा पकड़ाया था। प्रभारी संयुक्त संचालक राममोहन तिवारी के अलावा दो लिपिक को भी घूस लेते पकड़ाया गया था। रिश्वत के रुपए लेने के बाद ही प्रभारी संयुक्त संचालक को विभाग द्वारा पद से नहीं हटाया गया, जिसके कारण प्रभारी संयुक्त संचालक द्वारा पीड़ित महिला अनिशा बेगम को लगातार परेशान किया जाने लगा। अधिकारियों के द्वारा शासकीय मकान खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया है। मानसिक रूप से परेशान होने के बाद अब अनिशा बेगम ने लोकायुक्त SP को ज्ञापन देकर प्रभारी संयुक्त संचालक राममोहन तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कहाँ आई हैं आप? ये जो हमने दुर्घटना जो हमारे साथ में हुई थी, वो इनने हमारे साथ में और उल्टा कर दिए और मतलब वो सस्पेंड कर दिए और आप इसके अंदर घुसने नहीं देते, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। विधानसभा की आड़ में 12-1 बजे रात में गाड़ियाँ अंदर रख के हमको परेशान करते हैं और आने जाने में दिक्कत होती है। कौन से ऑफिस में हैं? मैं JD ऑफिस में हूँ। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि उन्होंने पैसा मांगा था हमसे 21,000। बहुत हमने उनसे आरजू मन्नत करे कि भैया माफ़ करो भैया, हमने तो ये सब किया नहीं है। भाई ये अगर तुमको शक है तो भाई ये कैमरे चारों तरफ भी लगे हैं, वो खुलवा लीजिए। तो इन्होंने नहीं खुलवाया और कंप्लेन भी कर दिए। कंप्लेन के बाद भी उन्होंने जो ताला जिन्होंने तोड़ा था, हमने अपनी जान बचाने के लिए भागे तो उन्होंने ताला तोड़ के जो भी करे हो हमने ये नहीं देखा। और इनने हमारे ऊपर आरोप लगा के इनने हमसे पैसे मांगे। आपने कहाँ शिकायत करी थी? हमने आलोक में करी थी, लोकायुक्त में। आज आप क्या? आज स्थिति में हम पहुँच गए हैं कि हमको सस्पेंड कर दिया और ना हम यहाँ के रहेगा ना वहाँ के रहेगा, बहुत परेशान करके रखे हैं। आपका नाम बताइए। अनिशा बेगम, जबलपुर से आशीष वाथ्रे की रिपोर्ट।